इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल आप लोगों के नोट्स में दी हुई है। हाइब्रिड पैरामीटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले डेफिनेटली आप लोग हाइब्रिड पैरामीटर का जो लेक्चर है उसे देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हाइब्रिड पैरामीटर होता क्या है। हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोगों ने एक इक्वेशन फॉलो किया था, उस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें H11 जो है पैरामीटर होती है, फिर H12 होती है, ओके, उसके बाद आपका होता है H21 और H22, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। V1 और I2 का वैल्यू जो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, I1 और V2 के टर्म में, उसमें मैंने बताया था जो वैल्यूज होता है, जैसे कि H11 अगर हमें निकालनी है, लेट से H11, तो H11 के लिए हम लोग V2 जीरो कर देते हैं, तो ये हो जाता है कितना, अगर V2 H11 के लिए हम लोग अगर V2 जीरो कर देंगे तो H11 इक्वल्स टू हो जाएगी V1 बाई I1 का V2 इक्वल्स टू जीरो, और साथ में जब V2 जीरो रहेगा तो ये पैरामीटर निकल जाएगा H21, V2 जीरो कर देंगे तो ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, तो H21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 बाई I1, तो ये दोनों वैल्यू निकलती है कब, जब V2 क्या है जीरो। अब V2 जीरो होने का मतलब क्या है, V2 जीरो होने का मतलब है जो आउटपुट टर्मिनल है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए, V2 जीरो, यानी कि हम लोग उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ओके। और अगर H12 चाहिए, H12, तो डेफिनेटली I1 को जीरो करना पड़ेगा। I1 को जीरो करने का मतलब इनपुट करंट जीरो हो जानी चाहिए, इनपुट करंट तभी जीरो होगा जब ये ओपन सर्किट होगा, ओके। तो H12 इक्वल्स टू क्या होगी, V1 बाई V2, क्योंकि I1 को जीरो कर दिए तो ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी, तो यहां बचेगा क्या, ये हम लोग V1 बाई V2 लिखेंगे। और ये कंडीशन कब निकाला गया, ये जो वैल्यू है कब निकाला गया, जब कंडीशन क्या था, I1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसी तरह यहां पर I1 जीरो है तो ये वाली टर्म पूरा क्या होगी, जीरो, तो बचा क्या H22 और ये होगा I2 बाई V2, ओके। और ये भी कब है, I1 इक्वल्स टू जीरो, इतना मैंने बताया था। तो प्रॉब्लम यहां पर दिया हुआ है, और प्रॉब्लम जो ये है कि हमें इसका हाइब्रिड पैरामीटर निकालना है। तो पहले हम लोग इसमें मार्किंग नहीं की हुई है, इनपुट पोर्ट कौन सा है, आउटपुट पोर्ट कौन सा है, तो लेट से हम लोग ये वाली I1 और ये वाली I2, जनरली यही रूल है इधर का मानने का, ठीक है। तो अब इसमें जो वैल्यू है इसको V1 मान लेते हैं और इधर की वैल्यू को V2 मान लेते हैं। वोल्टेज है, करंट एंटर कर रही है, तो करंट एंटर कर रही है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा किसी सोर्स से या किसी और नेटवर्क से, जहां से करंट कितना एंटर कर रही है, I1। ठीक इसी तरह यहां पर I2 दिखाया गया, इसका मतलब है ये किसी कोई भी एक नेटवर्क से या फिर किसी सोर्स से या लोड से किसी चीज से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ करंट कितना मेजर कर पा रहे हैं, I2। V2 इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस है, और V1 इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस है। हाइब्रिड पैरामीटर निकालने, इन सारे वैल्यूज को निकालने, इसमें कंडीशन साफ दिया हुआ है, कंडीशन अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये रेशियो इजी वे में निकाला जा सकता है। पैरामीटर का वैल्यू इस कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये कंडीशन पुट करते जाना है और नेटवर्क को सॉल्व कर देना है। इसे अगर हम लोग चाहें तो अगर पूछा जाता जेड पैरामीटर के लिए तो जेड पैरामीटर निकाल सकते थे, एबीसीडी के लिए पूछा जाता एबीसीडी के लिए निकाल सकते थे, ओके। लेकिन ये एक कैसा नेटवर्क दिख रहा है, ये टी नेटवर्क भी इसको बोलते हैं, ये टी नेटवर्क भी है, ओके। तो फिलहाल अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग V2 को जीरो करेंगे। तो V2 को जीरो करने का मतलब क्या है, V2 को जीरो करने का मतलब है जो आउटपुट टर्मिनल है उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। हम चाहते हैं कि इस टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे, तो ना रहे इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस तभी नहीं रहेगा जब दोनों टर्मिनल एक दूसरे से किसी कंडक्टर से कनेक्ट हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कंडक्टर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हम लोग जीरो ले लेते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय शॉर्ट सर्किटिंग, बाय शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट, तो मतलब V2 इक्वल्स टू व्हाट, V2 इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो V2 इक्वल्स टू जीरो कर दिए, तो मैं यहां सर्किट बना देता हूं कि अब ये कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये देखिए, ये वाला टर्मिनल शॉर्ट हो गया, ओके। तो V2 क्या हो गई, जीरो, लेकिन करेंट फ्लो कर रही है, करेंट का डायरेक्शन पे ध्यान देना है, ये इनसाइड है, ओके। इसे अगर चेंज कर देंगे तो आंसर भी डिफरेंट आ सकती है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे, ओके। 10 ओम यूनिट चाहे तो हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू है V1 और यहां करंट एंटर कर रही है I1। अब मेरे पास एक सिंपल सा नेटवर्क हो गया है जो रजिस्टर पर बेस्ड है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, KVL KCL लगाकर, मेस एनालिसिस लगाकर। अब हमें V1
यहां पर देख रहे हैं V1 और I1, ये जो डिवीजन फॉर्म में है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। V2 तो जीरो हो गई, I2 यहां पर दिया हुआ है, I1 by V1, तो I1 और by V1, sorry V1 by I1, ये जो डिवीजन फॉर्म है इसको निकालने के लिए हम लोग ट्रीट करते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स है। ओके, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि करंट एंटर कर रही है तो लेट से उधर वोल्टेज सोर्स हो सकता है या कुछ भी है, लेकिन हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि लेट से यहां पर एक क्या मान लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स, जिसका वैल्यू कितना है V1, और इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है, देखिए इन दोनों रेजिस्टर का एक टर्मिनल और इन दोनों रेजिस्टर का एक टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड, तो ये पैरेलल, और फिर ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। ओके, हम लोग ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए ये 4 है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, 10 है और ये 2 है, यही है ना। इधर से अगर देखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरा यही दिखेगा, और यहां का वोल्टेज कितना है V1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल 10 पैरेलल 4, ओके, और प्लस 2, देखिए ये दोनों 10, ये दो एक चीज हो गया, दोनों पैरेलल, और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें है, सीरीज में। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या लिखते हैं, 10 × 4 डिवाइडिंग बाय 10 + 4, ओके, प्लस 2, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, और 10 + 4 ये 14 और प्लस 2, तो ये हो जाएगी 40 प्लस, इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगी 68/14, तो ये कट जाएगा 7 और ये हो जाएगी 34, तो ये हो गया 34/7। चलिए R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। ओके, अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है इसमें एक वोल्टेज का वैल्यू है और एक करंट की वैल्यू है। ओके, और ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमारा ये सिंपल एक सर्किट ऐसा बन गया जिसमें ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं V = IR, भी के जगह V1, I के जगह I1 और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE। तो हम लोग लिख सकते हैं V1/I1 = RE, और ये जो हम लोगों ने V1/I1 निकाला है इसमें, इस नेटवर्क में, कब, जब V2 जीरो था, तो यहां लिख सकते हैं V2 = 0। ओके, और इसका वैल्यू है 34/7, मैंने लिख दिया RE का वैल्यू वहां पर लिख दिया। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला इसमें देखिए V1/I1 कंडीशन V2 = 0 कंडीशन V2 = 0, तो इस चीज के जगह क्या लिखा जा सकता है, ये टोटल टर्म को हम लोग लिख सकते हैं H11 और H11 = 34/7, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट वोल्टेज बाय करेंट ओम, तो हम लोग इसका यूनिट ओम लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 34/7 ओम। चलिए पहला वैल्यू निकल गया। ओके, अब इसी कंडीशन पर हम लोग V2 = 0 और V2 = 0 H21 I2/I1 भी निकाल सकते हैं। ओके, तो I2/I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखें यहां पर देखें, लेट से ये करंट जो I1 आ रही है, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, करंट डिवाइडिंग रूल लगा देंगे, तो इजी वे में बन जाएगी। लेट से ये I1 डैश है, ये करंट I1 इधर आई और ये करंट इधर जा रही है, कितना I1 double dash। ओके, I1 डिस्ट्रीब्यूट हुई इस पॉइंट पर, ओके, दो भाग में, एक I1 डैश और एक I1 डबल डैश। अब देखिए I1 डबल डैश और I2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि I2 = क्या होगा, -I1 double dash होगा, या फिर मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, I1 double dash = -I2, माइनस साइन इधर कर दी, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ब्रांच का करंट है, बस डायरेक्शन अलग है, तो सिर्फ साइन अलग होगी। अब देखिए, चलिए मुझे इस I1 double dash की जरूरत है I1 के टर्म में, क्यों, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालना है, क्योंकि कंडीशन यहां पर क्या है, V2 = 0। ओके, तो हम लोग यहां पर निकालते हैं, तो यहां करंट आई तो इस ब्रांच का निकालना है, तो क्या रूल है, I1 double dash इस ब्रांच का करंट = टोटल एंट्रिंग करंट I1 × रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस 10 और डिवाइडिंग बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम 10 + 4, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, I1 double dash = हो जाएगी, देखिए I1 का वैल्यू तो हम लोग यहां रहने देते हैं, इस I′ double dash का वैल्यू -I2 पुट कर देंगे। ओके, तो मैं यहां पर पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, 10 I1 डिवाइडिंग बाय
14, और इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूं माइनस आई टू इक्वल टू 10/14, तो ये हो गया 5 × 10 = 5, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर है आई वन, देखिए मुझे क्या निकालना है, रिक्वायरमेंट देखिए आई टू बाई आई वन निकालना है, तो मैं यहां लिख सकता हूं आई टू बाई आई वन, आई टू गई आई वन इधर ले आए, माइनस साइन उधर कर देंगे, तो -5/7। और ये कब निकाला गया है, जब वी टू क्या है जीरो, वी टू जब जीरो है तभी तो निकाला गया, तो हम लोगों ने निकाल लिया। ये वैल्यू का जो यूनिट है वो यूनिट जो यूनिट है यूनिट लेस होगा, क्यों, क्योंकि आई टू बाई आई वन करेंट का रेशियो है, तो ये जीरो होने मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी होने वाली है, तो हम लोग यहां पर इसका वैल्यू लिख देते हैं -5/7। फाइन, तो ये सारा वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कब, जब वी टू को जीरो किया। ओके, बहुत ही आसान है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में आएंगे, जो सेकेंड कंडीशन है और वो है आई वन इक्वल्स टू जीरो। और आई वन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होगा, आई वन इक्वल्स टू जीरो का मतलब होगा ओपन सर्किट, ताकि इसमें कोई करंट फ्लो ना करे। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ओपन सर्किटिंग, ओपन सर्किटिंग इनपुट, मतलब आई वन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तब निकाली जाती है जब आई वन क्या होता है जीरो होता है। तो हम लोगों ने इसको जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया इसका मतलब ये टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल ओपन होने का मतलब है कि अब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इधर अब किसी से कनेक्टेड नहीं है, इधर जो जिस चीज से भी कनेक्टेड थी हम लोगों ने उसे हटा दिया, तो इधर अब कोई करंट नहीं आएगी, तो कोई करंट नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिक यहां पर आई वन कितना हो गया जीरो। अब इस रेजिस्टेंस का यहां कोई मतलब नहीं है, फिलहाल मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं, ये 4 ओम है और ये 10 ओम। ओके, यहां पर ये करंट कितना है आई टू और ये वैल्यू कितना है वी टू, इधर कनेक्टेड है वोल्टेज, इधर करंट एंटर कर रही है, इसका मतलब है ये कनेक्टेड है, लेकिन इधर कनेक्टेड नहीं है, आई वन को हम लोगों को जीरो कर देना है। ओके, तो अब हमें निकालना है ये दो चीज, वी वन बाई वी टू और आई टू बाई वी टू, यहां कनेक्टेड डेफिनेटली नहीं है, लेकिन यहां वोल्टेज होगा, यहां वोल्टेज होगा, दो टर्मिनल के बीच में ऑलवेज वोल्टेज होता है। अब देखिए यहां वोल्टेज होगा, लेकिन इसके अक्रॉस तो करंट जीरो है, क्योंकि यही करंट यहां पहुंच रही है, तो जीरो है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसके अक्रॉस का जो करंट है और इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, इसका मतलब है ये वोल्टेज इसके बराबर होगा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज इसी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये जीरो वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज। ओके, तो वी वन इक्वल्स टू 10 ओम और इसके अक्रॉस का जो भी करंट हो, तो क्या करंट होगी इसमें, देखिए आई टू इधर से आ रही है, इधर कोई करंट नहीं जाने वाली, क्योंकि इसमें क्या है जीरो, हमने बताया कि इसमें करंट क्या है जीरो, तो टोटल करंट इधर ही आ जाएगी, तो इसमें आई टू। ओके, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं वी वन बराबर क्या होगा 10 × I2, करेक्ट। और अब हमें वी टू और आई टू के बीच में रिलेशन निकाल लेना है, तो क्या होगा वी टू और आई टू के बीच में रिलेशन, तो देखिए यहां ये तो यहां है नहीं, इसका मतलब है कि ये है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये एक सिंपल सा नेटवर्क बन गया जिसमें दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, एक वोल्टेज सोर्स है और एक आई टू है, तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस 10 + 4 × I2, यही होगा ना, ओम्स लॉ, वोल्टेज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू करेंट, और रेजिस्टेंस कितना है 10 + 4, सिंपल वे में, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं 14 × I2 V2। ओके, तो हम लोग यहां पर I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी पहले हम लोग V1/V2 निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद ये वैल्यू तो यहां पर दिया हुआ है, चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं, तो यहां पर 14 को इधर ले आते हैं और V2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1/14 इधर हो जाएगा I2/V2, देखिए इधर, और ये कब निकाला गया है जब I1 क्या है जीरो, तो देखिए यहां कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा, मेरी बात समझ में आ रही, I2/V2 और I1 कितना है जीरो, तो ये वाला, तो कौन सा पैरामीटर का वैल्यू निकला, ये निकल गया H22, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं H22 = 1/14, और इसका यूनिट क्या होगा, ये करंट बाय वोल्टेज है, इसका मतलब एडमिटेंस है, सीमेन लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा H22, सॉरी इसका वैल्यू लिखना है मुझे, तो वैल्यू है
1 by 14 s, ओके। और इधर ये जो v2 का वैल्यू है, v2 का वैल्यू 14 i2, तो यहां पर क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने निकाला इसमें i2 का वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो i2 इक्वल्स टू हो जाएगा v2 by 14, ओके। v2 यहां है, 14 डिवाइड हो गया, तो i2 इक्वल्स टू v2 by 14। अब देखिए यहां पर ये v1 इक्वल्स टू 10 into i2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। तो हमें क्या निकालना है, v1 by v2, तो v1 और डिवाइडिंग बाय v2, बस आपको पता रहना चाहिए कि पैरामीटर में वैल्यू किसका निकालना है। तो ये हो गया, दो से काट देते हैं, 5 टाइम्स नीचे 7 टाइम्स। और देखिए ये वैल्यू कब निकाला गया, ये निकाला गया है जब i1 क्या था, 0। तो v1 by v2 और i1 0 है, v1 by v2 और i1 0 है, तो कौन सा पैरामीटर का वैल्यू निकला, h12। तो देयरफॉर h12 इक्वल्स टू 5/7। यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगी, क्यों, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है ये। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, 5/7। चलिए ये हमारा सारा वैल्यू निकल गया, ओके। यही आंसर में चाहिए थी। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग एक बार खुद से बनाकर देख लीजिएगा, तो ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। और इसको आप लोग चाहें तो अदर पैरामीटर में भी सॉल्व करके उसको देख सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, जस्ट लाइक जेड पैरामीटर के लिए, एबीसीडी पैरामीटर के लिए, या फिर वाई पैरामीटर के लिए, इन सब के लिए भी आप इसको चाहें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख सकते हैं। उसमें वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू या फिर एबीसीडी का वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ओके, थैंक यू।